क्वेश्चन नंबर 47, अ सम ऑफ रुपीस 2800 इज टू बी यूज्ड टू अवार्ड फोर प्राइजेस. इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज रुपीस 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2800 रुपए है जिसको चार हिस्सा करके चार लोगों में बांटा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्राइज. ठीक है, अब चारों प्राइज में क्या है, चारों प्राइज इक्वल अमाउंट का नहीं है. अगर चारों प्राइज इक्वल होता तो 700 रुपया का चार हो जाता. यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट इज रुपीज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. तो मतलब जो सबसे पहला प्राइस होगा फर्स्ट प्राइस, वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट का होगा. फिर जो अगला प्राइस होगा सेकंड प्राइस, वो फर्स्ट प्राइस से 200 रुपीज कम होगा. जो थर्ड प्राइस होगा वो सेकंड वाले से 200 कम होगा. और जो फोर्थ प्राइस होगा वो थर्ड वाले से 200 रुपीज कम होगा. तो इस तरीके से चार प्राइस बन रहा है. चारों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 2800 रुपए. तो हम लोग इसको बनाते हैं. हम लोग इस तरीके से लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस बी रुपीज ए. फर्स्ट प्राइस को हम लोग ए रुपीज एज्यूम कर लेते हैं. तो फिर वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस हो गया ए माइनस 200. थर्ड प्राइस जो है, थर्ड प्राइस इसमें से और 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 400. और फोर्थ प्राइस जो है इसमें से और 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 600. ये टोटल चार प्राइस हो गया. ठीक है, और ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, कुछ एपी भी यूज नहीं करना है इसमें. ये चारों को जोड़ के कितना हो रहा है, 2800. तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस a माइनस 200 प्लस a माइनस 400 प्लस a माइनस 600. ये चारों को प्लस कर दी, ये चारों को प्लस करके कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा. सॉल्व करते हैं इसको. तो a प्लस a प्लस a प्लस a, चार बार a मिलके ये तो बन गया 4a. और माइनस 200 माइनस 400 माइनस 600 मिलके हो गया ये 4, 5, 6, 6, 12. माइनस 1200 इक्वल टू 2800. 4a इक्वल टू ये 1200 इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो 2800 प्लस 1200 ये हो गया 4000. और a इक्वल टू 4000 अपॉन 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000. तो a का वैल्यू आ गया 1000. a हम लोग एज्यूम किए हैं फर्स्ट प्राइस को. तो फर्स्ट प्राइस का जो वैल्यू होगा वो हो गया, जो फर्स्ट प्राइस है वो हो गया 1000 रुपीज का. सेकेंड प्राइस हो गया, इसमें से 200 लेस कर देंगे, ये हो गया 800 रुपीज़. फिर जो थर्ड प्राइस होगा वो इसमें से और 200 लेस हो जाएगा, ये हो गया 600. और जो फोर्थ प्राइस होगा इसमें से और 200 लेस करेंगे ये हो जाएगा 400. ये टोटल चार प्राइस आ गया. चेक करते हैं चारों को जोड़ के 2800 हो रहा है कि नहीं. 1000 प्लस 800 1800, 1800 सिक्स 2400, 2400 और 400 ये हो गया 2800. तो बस यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो ये आ गया वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. ठीक है.